Standard 8, Subject English. Open your textbook. Open page number 21, Unit 3, Friendship and Duty. Page number 21. Activity 1. William Sidney Porter, better known by the pen name O. Henry, was an American writer. William Sidney Porter, उसका pen name था O. Henry. O. Henry's short stories are known for their wit, wordplay, warm characterization and clear twist endings. O. Henry की जो short story है वो अपने विट के लिए, वर्ड प्ले, अंदर जो सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसका वो वार्म कैरेक्टराइजेशन, अच्छे पात्र होते हैं उसकी स्टोरीज में, शॉर्ट स्टोरी में, एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग्स, और जो ट्विस्ट होता है एंडिंग में उसके लिए जाने जाते हैं. ही वॉज बोर्न ऑन 11 सितंबर 1862 इन नॉर्थ कैरोलिना एंड डाइड ऑन 5th जून 1910. उनका जन्म है वो 11 सितंबर 1862 को नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था और उनका डेथ है वो 5th जून 1910 को हुआ था. फ्रॉम डिसम्बर 1903 टू जनवरी 1906 ओ हेनरी रोट अ स्टोरी अ वीक फॉर द न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन एंड पब्लिश्ड सेवरल शॉर्ट स्टोरीज इन अदर मैगजीन्स. डिसम्बर 1903 से लेकर जनवरी 1906 तक ओ हेनरी ने स्टोरी रोट अ स्टोरी, उन्होंने स्टोरी लिखी अ वीक फॉर द न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन. मैगजीन्स होती है उसमें जो स्टोरी आती है ना, उसी तरीके से ओ हेनरी में अ वीक नाम का जो मैगजीन था उसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज लिखी एंड पब्लिश्ड सेवरल शॉर्ट स्टोरीज इन अदर मैगजीन, और दूसरी भी मैगजीन्स में छोटी छोटी स्टोरीज जो होती है वो उन्होंने लिखी. सम ऑफ हिज फेमस स्टोरीज आर द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ मेजाय, द फर्निश्ड रूम, कैबेजेस एंड किंग्स. उनकी जो फेमस स्टोरीज है वो है द लास्ट लीफ, गिफ्ट ऑफ मेजाय, फर्निश्ड रूम, कैबेजेस एंड किंग्स. ये उनके स्टोरीज के नाम थे जो फेमस है ज़्यादा से ज़्यादा. द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स हैज द टिपिकल ओ हेनरी ट्विस्ट. आफ्टर 20 ईयर्स है उसके अंदर ओ हेनरी का टिपिकल जो ट्विस्ट होता है वो ट्विस्ट है. हाउएवर द कैरेक्टर्स पोर्ट्रेड कुड वेल मेक अस रिफ्लेक्ट ऑन आवर वैल्यूज. लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए गए हैं, जो पात्र हैं उसके अंदर, वो हमारी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू मे रिफर टू www.literaturecollection.com. ओ हेनरी 44, ये जो साइट का नाम है उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो इनके बारे में. देन आर द क्वेश्चंस, आपको आंसर लिखने हैं. हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है. वाई डू यू लाइक हिम और हर, आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आपको कुछ उसका अच्छा लगता है तो ही वो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा ना, तो उसके बारे में आपको क्या अच्छा लगता है. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मीनिंग क्या होता है आपके नज़रिए से. ओके, नाउ ओपन एक्टिविटी टू. आपको ये आंसर्स तो जो थे तीन क्वेश्चंस के वो लिख लेने हैं पेन से. एक्टिविटी टू, ओपन आफ्टर 20 ईयर्स. द नेम ऑफ द लेसन इज आफ्टर 20 ईयर्स. 1.1. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. Policeman जो था वो avenue जो है वहाँ पर impressively, यानी एकदम impression उसकी अच्छी पड़े उसी तरीके से वो avenue में घूम रहा था. The impression was habitual and not forced. लेकिन वो खुद पुलिसमैन था इसीलिए दिखावे की तरह का उसका इम्प्रेशन नहीं था, शो के लिए उसका इम्प्रेशन नहीं था, लेकिन उसका इम्प्रेशन जो था वो हैबिटुअल था. वो उसकी इम्प्रेशन ही इस तरीके की थी. एवेन्यू मीन्स अ स्ट्रीट इन अ टाउन और सिटी.
सिटी में जो स्ट्रीट होती है उसे एवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, आपको जो भी वर्ड समझ में नहीं आता उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है और आपकी रफ नोटबुक में टाइटल आफ्टर 20 ईयर्स ऐसा लिख के डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख के आपको नीचे नोट डाउन करना है और मीनिंग्स है वो डिक्शनरी में से लिखने हैं। फॉर स्पेक्टेटर्स वॉज फ्यू, यानी कि वहाँ पर जो लोग होते वो बहुत ही कम थे। द टाइम वॉज बेरली 10 o'clock एट नाइट, जो समय था वो 10 o'clock के आसपास का था रात को। बट चिली गस्ट ऑफ वाइंड विथ अ टेस्ट ऑफ रेन इन देम हैड वेल नाइट डी पीपल द स्ट्रीट्स। लेकिन जो वाइंड के ठंडी ठंडी वाइंड जो आ रही थी, चिली यानी कि टू कोल्ड टू बी कंफर्टेबल, यानी कि ऐसी वाइंड आ रही थी कि हम कंफर्टेबल नहीं ना हो। तो चिली गस्ट ऑफ वाइंड, ऐसी वाइंड आ रही थी विथ टेस्ट ऑफ रेन, और ऐसा लग रहा था कि बरसात का टेस्ट हो उसके अंदर। हेड वेल डी पीपल द स्ट्रीट्स, डी पीपल यानी कि कोई लोग ना होना, पूरी स्ट्रीट्स को डी पीपल यानी कि सुनकार कर दिया था, कोई लोग वहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि बरसात जैसा था। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट ट्विरलिंग हिज क्लब विथ मैनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स नाउ एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई एडोन द पैसिफिक दो फेर। द ऑफिसर विथ हिज स्टेलवर्ड फॉर्म एंड स्लाइट स्वेगर मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ गार्डियन ऑफ पीस। यानी कि ट्राइंग डोर्स एज इवेंट, वो दरवाजों के पास से चल रहा था, ट्विलिंग हिज क्लब विथ मेनी इंट्रिसिकेट, यानी कि उसके हाथ में जो स्टिक थी, थिक जो स्टिक थी, हैवी क्लब मीन्स हैवी स्टिक, उसको वो ऐसे घुमा रहा था अपने हाथों से, आर्टफुल मूवमेंट्स, उससे जैसे आर्टफुल मूवमेंट्स क्रिएट कर रहा हो। और कास्ट इज वॉचफुल आई, यानी कि नज़र रख रहा हो सभी जगह पर, डाउन द पैसिफिक थ्रू फेयर, सभी जगह पर वो नज़र रख रहा था। द ऑफिसर, ऑफिसर कैसा था, स्टेलवर्ड, स्टेलवर्ड मीन्स फेथफुल, लॉयल था। एंड स्लाइट स्वेगर मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ गार्डियन ऑफ पीस, यानी कि स्लाइट स्वेगर यानी कि वो बहुत ही प्राउड मूवमेंट से, कॉन्फिडेंस से चल रहा था, और इसके वजह से शांति का जो दूत है उसका बहुत ही अच्छा पिक्चर जैसे दिखाई दे रहा था। द वैसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, यानी कि एक एरिया होता है उसके आसपास की जो जगह है वो केप्ट, वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, यानी कि वो अर्ली आवर्स में जैसे थी। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर, आप वहाँ पर सिगार स्टोर के लाइट्स दिखाई दे रहे थे, और एन ऑल नाइट लंच काउंटर। वैसे तो वहाँ पर अर्ली ईयर्स में सिगार स्टोर के लाइट है, लंच स्टोर्स है वो दिखाई देते हैं, बट द मेजोरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड। लेकिन ऐसा पहले ही मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर कैसा था, उसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ जो डोर्स थे, जो बिजनेस प्लेस के जो डोर्स थे, वो हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड, बंद हो चुके थे। व्हेन अबाउट मिडवे ऑफ अ सर्टेन ब्लॉक द पोलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, यानी कि रास्ते में वो जैसे एक सर्टेन ब्लॉक आया, एक ब्लॉक यानी कि एक जगह ऐसी एक आई कि वहाँ पर वो जो पोलिसमैन था वो अचानक ही चलते चलते स्लो हो गया। इन द डोरवे ऑफ द डार्कंड हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन्ड, उसने झुक कर, जो दरवाज़ा था हार्डवेयर स्टोर का वहाँ पर उसने झुक कर देखा, विथ एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, उसके मुँह में एक जो अनलाइटेड यानी सुलगी ना हो ऐसी सिगार थी। एज द पोलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम, ऐसा कोई इंसान उसको दिखाई दिया तो
पुलिसमैन वहां पर चलते चलते गया, उसको एक इंसान दिखाई दिया। द मैन स्पोक अप क्विकली, और वो इंसान कैसा था, वो एकदम जल्दी जल्दी से बोल रहा था। कैसा था, झुका हुआ वो इंसान था, उसके मुंह में जो लाइट नाग की गई हुई वैसी सिगार थी और वो जल्दी जल्दी से बोल रहा था। इट्स ऑल राइट ऑफिसर ही सेड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, कि सब कुछ ठीक ही है ऑफिसर, मैं अपने फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago, ये एक अपॉइंटमेंट है जो 20 साल पहले हमने तय की है। साउंड्स अ लिटल फनी टू यू डजंट इट, वो इंसान बोलता है कि आपको तो ऐसा अजीब लग रहा होगा, मजाक जैसा लग रहा होगा, नहीं लग रहा है क्या? वेल आई विल एक्सप्लेन इफ यूड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट, लेकिन मैं आपको सब आई विल एक्सप्लेन, मैं समझाऊंगा, सब कुछ सीधे सीधा ही है। ऑल दैट लॉन्ग अगो देर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट वेर दिस स्टोर स्टैंड्स, के बहुत साल पहले यहाँ पर जो अभी स्टोर है उसके पहले बहुत साल पहले एक रेस्टोरेंट था। वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, यहाँ पर ये स्टोर है उसके बदले जो बिग जो ब्राडीज रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो ब्राडी। अंटिल 5 years ago, 5 साल पहले भी हो सकता है, सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कहा कि हाँ 5 साल पहले था। इट वॉज टर्न डाउन देन, और उसके बाद में उसको तोड़ दिया गया। ओके, हम यहाँ तक एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में हम 2.3 से नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? आपको सब कुछ रीड कर लेना है, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपकी रफ बुक में नोट डाउन, लेसन के नाम ऊपर अच्छे से लिख के नोट डाउन करके लिख देना है। ओके, हम 2.3 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में।